अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हमारी कंप्यूटर की बुक पैरामाउंट कंप्यूटर मेड फ्रेंडली का चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो रीडिंग जो थी वो मैं आप लोग को कम्प्लीट करवा चुकी थी। 2 पार्ट से मैंने जो है वो वीडियो अपलोड की थी, सही है। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम जो है वो हमारी एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, व्हाट इज एन एबाकस, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो ये मैंने एबाकस की देखें डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। एबाकस इज द फर्स्ट नॉन डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग मशीन। एन एबाकस टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम हैविंग अ मिडल बार डिवाइडिंग द फ्रेम इनटू 2 सेक्शन, नेमली हेवन एंड अर्थ। इसकी वर्किंग भी है। इन एबाकस द स्मॉलर सेक्शन हैज 2 बीट्स, ईच बीट हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 5 एंड द बिगर सेक्शन हैज 5 बीट्स, ईच बीट हैज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 1। टू डिस्प्ले एनी नंबर ऑन द एबाकस द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्टिंग द बीट्स टू द मिडिल बार, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद हमारा देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल, ऑन विच कॉन्सेप्ट इट वॉज बेस्ड। स्लाइड रूल वॉज invented by William Oxford. It was used to do calculations using the concept of logarithm. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मशीन सेट टू बी द फोररनर ऑफ ऑल सब्सिक्यूट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सो पास्कल्स अरिथमेटिक मशीन इज सेट टू बी द फोररनर ऑफ ऑल सब्सिक्यूट कैलकुलेटिंग डिवाइस। मैं समझा चुकी हूँ, ये सब मेरी वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं, इनकी वर्किंग भी ये है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच हैड 8 मूवेबल व्हील्स, दीज व्हील्स हैड मार्क्स टू रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 1 to 9, ईच व्हील रिप्रेजेंट अ पर्टिक्यूलर डेसिमल कॉलम। द मशीन कुड परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन बाई रिपीटेड एडिशन एंड डिविजन बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ये हमारा है, हु इज सेट टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो ये सबको पता है, चार्ल्स बैबेज इज सेट टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लिस्ट द डिफरेंट यूनिट ऑफ एनालिटिकल इंजन। सी एनालिटिकल इंजन हैज़ 4 यूनिट्स, मिल अ मैकेनिकल यूनिट फॉर कैलकुलेशन, स्टोर टू होल्ड डेटा एंड रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, अ सिस्टम ऑफ गियर और लिवर्स टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द स्टोर एंड मिल, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट टू रीड डेटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंप्यूटर जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द टर्म कंप्यूटर जनरेशन इज यूज इन रिलेशन टू द एडवांसमेंट इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद एग्जाम्पल, हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इमर्ज विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर अ स्मॉलर एंड मोर रिलायबल सक्सेसर, सही है, ऑफ द वैक्यूम ट्यूब वॉज इन्वेंटेड इन 1947। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स बिकेम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर टेकिंग प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का डिफरेंस भी मांगा था तो वो भी देख लें। इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वॉज यूज, इन सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। दे वर वेरी बिग इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। दे वर अनरिलायबल, दे वर रिलायबल। They were non-portable, they were portable. They emitted large amount of heat, less emission of heat, ठीक है। फिर है हमारे पास, write a short note on fifth generation. Fifth generation पे short note है, the fifth generation computers are yet to arrive. These computers are supposed to have thinking power, i.e. they will have artificial intelligence. They aim to being machines to reason logically and with real knowledge of world and make decisions like human beings. ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के जो हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग को रिटन में समझा दिए हैं, पढ़ के भी बता दिए हैं, ठीक है। सो इसका PDF मैं आप लोग को जो है वो सेंड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मेरी मज़ीद और वीडियोस इस चैप्टर की, इस बुक की आप तक पहुंचती रहें, सही है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात ज़रूर होगी।